यो गाइस वेलकम बैक टू डे 5 ऑफ 30 डे व्लॉग चैलेंज। और आज का व्लॉग घर पे शूट होगा क्योंकि आज कहीं पे जाने को नहीं है, मेरा छुट्टी है और संडे भी है तो कहीं पे जाने का मेरा कोई प्लान नहीं है अभी। सो आज का व्लॉग सिर्फ घर पे शूट होगा और आज मैं दिखाने वाला हूँ आप लोगों को मेरा रूम, एक छोटा सा रूम टूर जो शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाएगा क्योंकि मेरा रूम इतना बड़ा नहीं है। सो हम करेंगे थोड़ा काम इस रूम को थोड़ा सुंदर बनाने के लिए क्योंकि मेरे को हमेशा डांट मिलती है कि तेरा रूम कितना गंदा है, कुछ कर ले कुछ कर ले। एक्चुअली मेरा रूम गंदा नहीं है, कोई और गंदा करता है, यहाँ पे सो रहा है वो, बाद में दिखाता हूँ कौन। बट या लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं पर्दे से, हम लोग को पर्दे चेंज करने हैं, हम लोग को थोड़े बेडशीट चेंज कर दे, तो शुरू करते हैं, लेट्स गो। सो मुझे ये पर्दे को बाहर निकालना है और ये पर्दे को वहां पे लगाना है। और ये वीडियो मेरे दोस्तों के लिए है क्योंकि उन लोग को लगता है कि मैं कुछ काम ही नहीं करता, मैं घर पे सोया रहता हूँ, पर देखो गाइस मैं भी काम करता हूँ यार। A few moments later, मैं ना इतना घटिया इंसान हूँ, मैंने गड़बड़ कर दिया। ये मैंने पर्दा लगाया है और कितना प्यारा पर्दा लग रहा है, पर एक तो विंडो का ही पर्दा है, ये तो सही है। अब इसको देखो यार, मैंने दरवाजा का पर्दा विंडो में लगा दिया एक लंबा और एक छोटा हो गया यार, अब मेरे को फिर से निकालना पड़ेगा यार। अभी जाके मैंने ठीक लगाया, अभी ये बराबर है ये। तो अभी तो मैंने सिर्फ विंडो का ही पर्दा चेंज किया, अभी मेरे को दरवाजा का करना है और फिर बेडशीट भी करनी है यार, बहुत काम है बहुत काम यार। क्या आप लोग को ट्यूटोरियल चाहिए पर्दा कैसे चेंज करते हैं, मैं दिखाता हूँ। तो ये पर्दा ले लो पहले, और सिंपल है, कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, इतना हार्डवर्क नहीं है। इसको यहाँ पे डालना है, सीख लो गाइस सीख लो, क्या पता फ्यूचर में काम आए, UPSC का बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है ये क्वेश्चन कि पर्दा कैसे चेंज करते हैं। वैसे लोग पानी पीना सिखा रहे हैं, दरवाज़ा खोलना सिखा रहे हैं, मैं भी पर्दा चेंज करना सिखा रहा हूँ। तो एक पर्दा हो गया, एक और लाना पड़ेगा। तो यार हमारा विंडो और दरवाज़ा का तो सेट हो गया, अभी मेरे को करना है इसकी सेटिंग और इसको देना पड़ेगा नया कपड़ा। तो मैं आपको मिलता हूँ विंडो को चेंज करने के बाद। ये बात मैंने कर दिया, पिलो भी चेंज, अभी इस बड़े भाई की टर्न, अब मेरे को बेडशीट चेंज करनी है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ मेरा रूम। तो हो गया, बेड कवर भी चेंज कर दिया मैंने और पिलोस भी रखती हैं यहाँ पे। ये सिर्फ टेम्पोरेरी साफ है क्योंकि एक है शैतान जो गंदा कर देता है, और मैं ब्लैंकेट नहीं लेता क्योंकि मेरे पास ब्लैंकेट नहीं है, तो कोई मेरे को स्पॉन्सर कर दो ब्लैंकेट, मजाक कर रहा हूँ, मजाक है मेरे पास। पर अगर मैं ये ब्लैंकेट बिस्तर पे रख दूँ ना, तो फिर से मेरे को सब काम स्टार्टिंग से करना पड़ेगा क्योंकि एक है महारानी जो मेरे बिस्तर को आग लगा के बैठती है, अगर इसको कुछ दे दो तो मेरे ही बिस्तर मिलती है इसको खाने के लिए या गंदा करने के लिए, तो वो ये है। ये देखो अभी ही मैंने बिस्तर का चेंज किया है और ये आके सो गई। ओए क्या, ये अपना बिस्तर तो साफ रखती है ना, मेरे बिस्तर को ये सब गंदा करना आता है, इसको पूछ ही ला रही है जैसे कि इनोसेंट हो, कुछ नहीं करता है, सारा गंदा काम ये करता है, बदमाश है ये, बदमाश, तू बदमाश है, बदमाश है तू। पर इसको कुछ बोल भी नहीं सकता, अगर इसको मैं कुछ बोल दूँ तो मेरे को डांट पड़ती है। सो दो घंटे हो चुके हैं, मैं 12 बजे से स्टार्ट किया था, तो 2 घंटे में मैंने सिर्फ ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, विंडो और बेडशीट से चेंज किए और ये सब करके मेरे को इतना भूख लग गई है। अभी लंच करेंगे, देखते हैं क्या बना है घर पे, और लंच करने के बाद मैं आप लोगों को मेरा रूम दिखाऊंगा, बिकॉज अभी दिखाऊं बोलने से भी लाइट नहीं है, मेरे को नहीं पता यार, मैं जब गेम खेलता हूं, जब मैं वीडियो बनाता हूं ना, तभी ही लाइट जाती है, सुबह से पूरी लाइट थी, अभी मैं जब वीडियो स्टार्ट किया लाइट चली गई। सो आज का स्पेशल डिश है चिकन, और घर का यंगेस्ट होने का यही फ़ायदा है कि आप लोग को लेग पीस मिलता है। तो आप लोग भी बताओ आप लोग को चिकन में कौन सा पार्ट अच्छा लगता है, या फिर आप वेजिटेरियन हो। देखो मैं तो वेजिटेबल्स खाता ही नहीं, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है सब्जियां खाना, पर चिकन में मेरे को लेग पीस बहुत पसंद है। मैं हमेशा खाना खाने के टाइम पे डोरेमोन देखता हूँ, और कोई नहीं बोलेगा मैं अभी बच्चा हूँ, पर ऐसा ही यार मेरे को देखना पसंद है अभी भी। सो मेरा रूम इतना खास नहीं है, छोटा सा रूम है क्योंकि मैं अकेला ही रहता हूँ, फिर भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो यहीं पर मैं बैठ के मेरा सब आउटडोर शूट करता हूँ,
यही पे होता है मेरा सब आउट्रो, कभी कभी इंट्रो भी यहीं से हो जाता है, और मैं ये यूज़ करता हूँ। और यार एक्सक्यूज़ द मिरर, ये टूट गया है मेरे दिल की तरह। पर ये मैंने ये रिंग लाइट ली थी जो कि ये डिजिटेक की DRL 14C, मैंने ये सेल में आई गेस 1500 में लिया था। और इसके ऊपर है ये बोया का BY MM1 माइक जो भी मैंने अराउंड 1100 की ली थी। और एक मैंने ट्राईपोड भी ली जो उलानजी की थी। सो बेसिकली मैं इन्हीं चीज़ों से मैं मेरा सब यूट्यूब का चैनल वीडियोस बनाता हूँ। और ये काफ़ी है मेरे लिए अभी, क्योंकि मैं इतना कुछ नहीं है कि मेरा बहुत ही ज़्यादा व्यूज आ रही है या बहुत ही ज़्यादा सब्सक्राइबर है। वो लोग होंगे शायद, और कुछ ही ईयर्स बाद मैं शायद से और अपग्रेड करूँ और रूम को भी थोड़ा डेकोरेट करूँ। अभी तो कुछ प्लान नहीं है ऐसा, क्योंकि अभी स्टार्ट ही किया है मैंने जर्नी। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे मेरा सब्सक्राइबर ग्रो होगा, वीडियोस में व्यूज अच्छे आएंगे, इसी तरह मैं अपना रूम को भी अच्छे से डेकोरेट करना चाहता हूँ। और हाँ, प्लान्स है कि डेकोरेट ऐसा करना है। मैंने एक कर्टेन भी लिया है जो बैकग्राउंड में अच्छा लगेगा, ब्लैक कलर का लिया था। तो वह सब अभी मैंने लिया है धीरे धीरे करके, और शायद से हम फ्यूचर में और लेंगे। तो अभी तो जर्नी ही स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। फिलहाल तो मैं अपने कंटेंट के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ कि यार मैं लोगों को कैसे एंटरटेन कर सकता हूँ। या आई नो मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे काफ़ी सारे वीडियोस बोरिंग होते हैं, जैसे कि कल की वीडियो। हम लोग ने बहुत कोशिश की कि कुछ फ़न करें, कुछ इंटरेस्टिंग करें, पर कुछ दिन ऐसा होता है कि हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, कितना भी सोच लो। और कल का दिन ऐसा ही था, प्लस मेरे काफ़ी सारे दोस्त एब्सेंट थे, तो हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। फिर भी मैंने ये 30 डेज चैलेंज लिया था, तो हम लोग ने सोचा यार कुछ भी हो बनाते हैं, थोड़ा छोटा सा भी हो हम लोग बनाते हैं। और मैंने वैसा ही बना के, वैसा ही एडिट करके मैंने वीडियो डाल दी। और आज का भी वैसा ही, संडे था, मैं कहीं पे नहीं गया, पर फिर भी मैंने ये चैलेंज लिया है, तो मैंने सोचा यार कुछ तो बनाना ही पड़ेगा, और मैंने ये वीडियो बनाया। अभी तो मैं यही इक्विपमेंट्स चला के वीडियोस बनाता हूँ, और फ्यूचर में अगर मैं ग्रो करूँ तो मैं और अच्छे इक्विपमेंट्स लूँगा, और अच्छे स्टाइल से मैं वीडियो बनाऊँगा, और मेरे एडिटिंग स्किल्स अच्छे करूँगा। मैं एवरीडे में यूट्यूब से ही देखता हूँ कि कैसे एडिट करते हैं, कैसा क्या कैसा कट लगाना है, तो वो सब मैं अभी सीख रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं लर्निंग स्टेज में हूँ। बट आई होप दैट एज आई ग्रो मैं और कुछ चीज़ें सीखूँगा और बेहतर बनूँगा। तो हाँ, फ़िलहाल के लिए मेरा रूम टूर इतना ही था, मैं यहीं पर बैठ के वीडियोज़ बनाता हूँ। सो आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और यस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लीव अ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ आपको कल। बाय बाय।